हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में गोप्रो 10 है और मैं इसको ऑफलाइन से परचेस किया है कोलकाता मेट्रो बाजार से। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका ऑफलाइन प्राइस क्या है कोलकाता के अंदर में, और मैं इसको खुल के दिखाऊंगा और साथ साथ गोप्रो 10 का पूरा वीडियो क्वालिटी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के साथ बनी रहिए। तो आइए दोस्तों, इस बंडल के अंदर में एक छोटा सा बॉक्स है, आप लोग देख सकते हैं ये गोप्रो का बॉक्स, और हम इसको खोलेंगे और ये देखो मेरा गोप्रो 10, और इसके साथ में ये मेरा बिल है, ये बाद में देखेंगे, और ये गोप्रो 10 उसका शायद गाइड है, ये गाइड बुक है गोप्रो 10 का, और ये तो उसका एड्रेस है ये दुकान वाला का गोप्रो। तो दोस्तों, आइए कैमरा को देखते हैं। इस बंडल में ये है गोप्रो 10, आप देख सकते हैं इस तरह सील किया हुआ है, और हम उसको खोल के देखेंगे। और ये देखो गोप्रो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, गोप्रो 10 ब्लैक, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसके साथ मिला है ये नोट वगैरह, और ये क्लिप मिला है, ये क्लिप कैमरा को अटैच करने के लिए, और यहाँ पे ये मिला है शायद ये हेलमेट में अटैच करने के लिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये, और यहाँ पे है गोप्रो का चार्जर कोड, टाइप सी का चार्जर कोड है, यहाँ पे गोप्रो ब्रांड में लिखा हुआ है, और अंदर में दो बैटरी दिया है और एक एक्स्ट्रा बैटरी, ये दो बैटरी गोप्रो 10 का, और साथ में यहाँ पे छोटा सा मिनी ट्राइपॉड हम लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा मिनी ट्राइपॉड। दोस्तों, ये हुआ बंडल के अंदर में इतना सब सामान था, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्राइस को देखते हैं। ये जो मैंने ख़रीदा, ये ऑफलाइन से ख़रीदा, और ऑफलाइन से मैंने कलकत्ता मेट्रो मार्केट से ख़रीदा, देख सकते हैं ये उसका एड्रेस है सरफराज आलम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मेट्रो फोटोग्राफिक सेल्स सर्विस वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मोटीसिल स्ट्रीट कोलकाता, मैं कलकत्ता से परचेस किया हूँ, और उसका प्राइस है मेरा गोप्रो 10 का प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गोप्रो हीरो 10 33,000, ये पूरा 33,000 का है, और यहाँ पे स्क्रीन गार्ड का मतलब यहाँ पे मैंने लगाया स्क्रीन गार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगाया अलग से, और यहाँ पे भी लगाया स्क्रीन गार्ड, और यहाँ पे भी लगाया स्क्रीन गार्ड, तीन स्क्रीन गार्ड लगाया, और तीन स्क्रीन गार्ड का मुझे 250 रुपया चार्ज किया गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड मैंने इसके अंदर लगाया है, और मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगाया है, और मेमोरी कार्ड मुझे कितना 700 रुपया लिया है, ये वाला मेमोरी कार्ड आप लोग देख सकते हैं 64 GB का है ये मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों, तीन चीज़ का मुझे देना पड़ा, आप लोग देख सकते हैं 33,950 रुपया। और दोस्तों, आइए इस कैमरा को हम टेस्ट करके देखते हैं, ये बैटरी, और बैटरी कैसे लगाते हैं, शायद इस तरह मैंने बैटरी लगा लिया, और हाँ, और दोस्तों शायद इस तरह, हाँ, और यहाँ पे ऑन बॉटम है, और ऑन बॉटम का मैं
प्रेस करके रखा हूँ और ये ऑन हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये GoPro 10 का इस तरह, और यहाँ पे दो साइड स्क्रीन है, ये छोटा सा स्क्रीन है ये ब्लॉगिंग के लिए। और दोस्तों आइए इस GoPro 10 का हम कैमरा क्वालिटी कैसा रहेगा ये सब टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये है सुपर व्यू मोड में है GoPro 10, आप लोग देख सकते हैं ये सुपर व्यू और इस तरह क्वालिटी सुपर व्यू का। मैंने वाइड मोड पे रखा है और आप लोग देख सकते हैं इस तरह वाइड मोड का क्वालिटी है। ये है वाइड मोड क्वालिटी। और दोस्तों ये है लीनर मोड, हाँ लीनर मोड का क्वालिटी थोड़ा इस तरह है। दोस्तों ये है 1080p पे मैं शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा हिल नहीं रहा है और मैं उछल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं हिल रहा हूँ ये। तो दोस्तों ये है मेरा GoPro 10, अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। तो आज के लिए बाय बाय।